जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के जो है 6:30 बजे हैं और इन दोनों की जाने की तैयारी है पूजा पाठ करने के लिए। और जी हमारे नंदू की भी हेलो स्वीकार कीजिएगा, लगा हुआ है अपना, देखो आराम आराम से। 6:30 बजे हैं सुबह के और आज है संडे। संडे स्पेशल में सबसे पहले संडे वाली पूजा, कुल देवताओं की पूजा करने के लिए मैं और आरुष हैं रेडी, और नंदिनी और आरुषी। देखते हैं ये इनका क्या मूड है, ये जाने देते हैं, इन्हें भी लेके जाना पड़ेगा। अभी मान मनवल कर लेते हैं थोड़ी सी, बस उससे पहले आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ में जो है फादर का भी स्थान रखते हुए, क्योंकि मदर और फादर दोनों ही जरूरी हैं ना। तो जी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से, हैप्पी मदर्स डे। अभी फिलहाल रेडी हैं और नंदिनी गुमसुम है, वैसे तो चेहरे पे मुस्कान बता रही है इसकी कि हाँ ये भी जाने के लिए तैयार है एकदम। आरुषी अच्छा बच्चा है, ये यहीं पर रह लेगा, हम अभी आते हैं। ये मेरे साथ आएंगे सारे जब मैं जाऊंगी। हैप्पी मदर्स डे, माता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। हैप्पी मदर्स डे आप सबको, आप सबकी मम्मियों की उम्र भगवान बहुत लंबी करे, और साथ में पापाओं की भी, क्योंकि जोड़ी जरूरी है माता और पिता दोनों की। राम राम जी। पहुंच गए हैं हम अपने कुल देवताओं पर संडे स्पेशल में, और ये देखो नंदिनी तो जहाँ भी जाती है ना तो घूम फिर के एंजॉय करती है पूरा। हाँ जी ये देखो कुछ बता रही है वहाँ पे, और आरुषी ने यहाँ पे तैयारी कर दिया पूजा के सामान की यहाँ पे। हाँ नहलाएंगे इन्हें, आ जाओ बस, आ जाओ यहाँ भी नहलाएंगे। हाँ सबकी पूजा करेंगे वहाँ तक भी। हाँ बहुत अच्छे, पूजा होगी है संपन्न, और अब चलने की तैयारी करेंगे घर। आरुषी पकड़ के लाई थी ये बास्केट और ये डब्बा। नंदिनी नंदिनी को दे दे भाई, अब तो खाली हो गया, इसमें वजन नहीं रहा। रुक जा नंदिनी, रुक जा, तू गोद में आ जा, आ जा। और पैर में चुभ जाएगा तेरे कुछ, वो लेगी आरुषी, दे दे इसे डब्बा, ये मानने की नहीं, लेगी एक चीज जरूर। अभी एक नहीं बस, अब तो घर चलेंगे। कुल देवताओं की पूजा पाठ के बाद अब मुझे जिमानी है गाय, 7 गाय और 7 यहाँ मोहल्ले में ही है गाय। 3 हमारे पास हैं, 2 चाचा के पास और 2 पड़ोसियों के पास। संडे का दिन है तो ऐसे ही व्यस्त रहना है, व्यस्त क्या, अस्त व्यस्त रहना है। नंदिनी को प्यास लग गई क्योंकि ये खेलती ज़्यादा है और गर्मी का सीजन, इसे भी प्यास लग रही है। अलग कटोरी में पीना भाई, तबीयत खराब वाले बच्चे जो हैं वो अलग कटोरी में पीना। आज ठीक है इनका फीवर, रात इन्हें फीवर नहीं हुआ दोनों को, जो फीवर था इन्हें 3 दिनों के बाद ये ठीक ठाक रहे हैं, कोई सी ऐसी नाइट गई है 3 दिन के बाद में। और नंदिनी क्या कर दिया था तुमने, सुसु कर दिया था? ओ भाई, ओ ये गद्दे क्यों उठा रहे, वाले देख जो बिछा ले। तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो है संडे स्पेशल पूजा, तो गुड्डू के पापा और बच्चे इनके साथ में जाकर करके आए थे, और मैं करवा रही थी घर की साफ़ सफाई, बाहर का आंगन वांगन भी धोया है। तो जी आज हमारे फैमिली में ही, यहाँ की जो फैमिली है वहाँ पर है शादी, लड़के की शादी है, तो आज खाना बनाने की तो टेंशन ख़त्म है। दोपहर में सब लोग जो हैं छोटे से लेके बड़े तक वहीं पर जाएंगे दावत में चूल्हा नोद। और अभी उससे पहले जो है मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ गिफ्ट्स जो कि बच्चों के लिए आए हैं, हमारे ही एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने भेजे हैं, बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स हैं। तो जी 2 तो आरुष ने खोलकर अपने जो है देख भी लिए हैं। आरुषी जो है कह रही है कि मैं तो यही वाले कपड़े पहनूंगी, तो चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बॉक्स तो इन्होंने कल ही खोल लिया था, लेकिन आज इन्हें खेलने और यूज करने के लिए चाहिए हैं कपड़े पहनने हैं इन्हें, क्योंकि जो कपड़े इनके नए रखे हुए हैं ना, जो बच्चे देख लेते हैं तो उसी को ही पहनने की जिद करते हैं, और नंदू महाराज का तो आपको पता ही है यही चाहिए यही चाहिए। तो चलो जी आराम से दिखा देते हैं आपको ये सारे गिफ्ट्स, और घर की साफ़ सफाई जो है हो गई है क्योंकि कोई भी मेहमान किधर से भी आ जाता है। और यहाँ पर जो है सारी की सारी फैमिली के बच्चे, ये माँ सब जो है देखने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि अभी तक माँ को नहीं दिखाया है। माँ जो है कल शादी वाले घर में गई हुई थी, बड़े बुजुर्ग होते हैं वे कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं, क्योंकि छोटे जो हैं वो भूल जाते हैं कि कैसे क्या रस्में होती है। तो ये सारे के सारे जो हैं एकदम तैयार है देखने के लिए, चलो लेकर आते हैं वो बॉक्स जिसमें है बहुत सारा सामान। तो जी कल ही इस बॉक्स की ओपनिंग तो हो गई थी, ऊपर ऊपर वाला सामान इन सब ने देख भी लिया है, क्योंकि नंदिनी और आरुषी देख लिया था। हाँ उसी टाइम जगे हुए थे कि
पापा कुछ लेकर आए हैं, पापा जी से खोलो खोलो। मैंने समझ लिया था इसमें मारे कपड़े। हाँ, इसने समझ लिया था कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको। इसमें एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स, जेली, ये सारी चीजें हैं, ये देखिए। और चॉकलेट्स खाने वाले बच्चे आ गए हैं आगे उठ उठ कर। और ये कहाँ से खुलता है मुझे तो ये भी नहीं पता, ये भी अभी नहीं पता है। अच्छा, इसमें से इन्होंने निकाल भी ली है, लेकिन इतनी नहीं खानी है बच्चा, इतनी नहीं खानी है क्योंकि तबीयत खराब चल रही है। एक एक ले लो बस, ईमानदारी से, ईमानदारी से एक एक लो। तो जी ये हो गई बच्चों की चॉकलेट्स। और नंदू महाराज भी आ गए हैं देखने के लिए कि मम्मी क्या दिखा रही है। बेटा ये कल वाला ही पार्सल है, चलो दिखाते हैं अगली चीज। अगला थैला है ये, और सबकी जो चीजें हैं बड़ी सेफ्टी के हिसाब से हैं, अलग अलग थैलों में हैं। तो जी ये वाला बैग भी काफी अच्छा है, हम इसे मार्केट वगैरह में यूज करेंगे। और हमारे सब्सक्राइबर का प्यार हमारे साथ साथ रहेगा, आशीर्वाद भी और प्यार भी। और ये कपड़े हैं किसके, दिखा देते हैं। तो जी सबसे पहला नंबर आता है आरुष के कपड़ों का, ये है आरुष के कपड़े, ये देखिए। और कई सारी जोड़ी कपड़े इसके, इतने बड़े बड़े साइज के उन्होंने पहले भी भेजे थे, तो वे रखे हुए हैं अभी। ये वाला तो ठीक आएगा आरुष को, ये देखो ऑरेंज कलर का, काफी अच्छी टी शर्ट्स है। और ये जीन्स की पैंट, अभी इसको नहीं आएगी, ऊपर से इसको लूज आएगी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा और ठीक ठाक होके हेल्थी सा होगा ना, तो तभी इसको आ जाएगी। तो जी ये हो गए आरुष के कपड़े, चलो जी इन्हें भी एक साइड में रख देते हैं। अब सेकंड थैले की नंबर आ गया जी, ये देखो ये है दूसरा थैला, और इसमें है कुछ कपड़े, और ये देखिए ये है पैंट शर्ट्स, और ये भी पैंट शर्ट है, और ये पिताजी के लिए कुर्ता पजामा, ये देखिए मतलब उन्होंने पूरी फैमिली के लिए भेजा है, ये देखो जी कुर्ता पजामा और एक पैंट शर्ट और है इसमें। नंबर आता है गुड्डू और चिंकी के कपड़े दिखाने का, चलो जी इनकी है कुछ कुर्तियाँ जो जींस के साथ में पहनी जाती है। सबसे पहली कुर्ती है ये वाली, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और दूसरे नंबर की ऐसे प्रिंट की कुर्ती, इसकी जो है पहले भी आई थी, एक येलो कलर की है, इसमें कढ़ाई जो है ये वाली है, ये वाली कढ़ाई शायद जो है चिकन की कढ़ाई बोलते हैं, मुझे बस इसके बारे में इतना ही पता है, ज्यादा नहीं पता। और एक ये है, तो ये चार कुर्तियाँ हो गई गुड्डू और चिंकी की, जिसको भी साइज आएगा एकदम बढ़िया लग रही है। अभी नंबर आता है अगले गिफ्ट का, ये देखो जी ये है साड़ियाँ और पेटीकोट विद ब्लाउज, मतलब पूरी तैयार हो रखी हैं ये साड़ियाँ, ये देखो बनारसी सिल्क में है ये साड़ी। तो जी दूसरी साड़ी है ये, बनारसी सिल्क में ही है, पिंक कलर की, देखो पिंक कलर मुझे पसंद, पिंक कलर आरुषि का पसंद है। और पेटीकोट विद ब्लाउज, सारी चीजें एकदम रेडी है इनमें, कुछ भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। और चूड़िया तो रेड कलर की सबके पास होती है, वो सब पर चल जाती है, ये देखो जी। तो जी ये हो गई दो साड़ियाँ। अब आता है दूसरे नंबर थैले का नंबर, और एक है ये सीजर, ये कुछ क्राफ्ट करने के लिए है शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन है ये क्राफ्ट का सामान ही, ये सीजर जो है, हाँ कैंची तो है या। और एक है इसमें पेन, ये गुड्डू के कपड़ों में था, ये गुड्डू के लिए है। और अब नंबर आता है नंदू महाराज का और आरुषि का, नंदू महाराज का, ये देखिए ये है आरुषि की ड्रेस, कितनी अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही, अच्छी लग रही, ये देखो जी ये आरुषि की ड्रेस है, बहुत अच्छी लग रही है। और आरुषि भी कपड़े खोल खोल कर देख रही है, ये देखो आप, ये आपके देखो कितने अच्छे हैं, पिंक कलर पिंक कलर पिंक कलर और एक जोड़ी है पिंक कलर का ये वाला, ये देखो कितनी सुंदर ड्रेस है आपकी, है ना आरुषि का ही। और आज शादी में आप ये वाले ही पहनना। अब नंबर आता है नंदू भगवान का, चलो इसे हटा दो आप, ये देखो कितने प्यारे शॉर्ट्स है नंदू के भी, ये देखो जी है ना अच्छे अच्छे, एक जोड़ी तो ये हो गए। पापा जी लाए, अच्छा जी पापा पार्सल लेके आए ना, तो इसलिए पापा की जो है वो थोड़ी सी चमचागिरी कर रही है। पापा जी लाए, पापा लेके आए, एक जोड़ी ये हो गए नंदू के, पापा जी लाए, ये देखो ये हैं हमारे प्यारे से गिफ्ट्स जो हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका इतना प्यार और बच्चों के लिए इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स देने के लिए। आप हमें देखते हैं, पसंद करते हैं हमारी विलेज लाइफ को, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना प्यार और सपोर्ट हम पर जो है ऐसे ही बनाए रखिएगा। माँ तैयारी में लग गई है क्योंकि हमें शादी में भी जाना है। अब माँ इन्हें पहनाएगी ये वाले कपड़े ही, मैं भी चाह रही हूँ क्योंकि ये कपड़े ही पहने, ये गर्मियों की ड्रेस है और अच्छी ड्रेस है, एकदम प्यारी प्यारी। और आरुषि तो बोली, मम्मी मैं तो यही वाली शॉर्ट्स पहन के जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, नंदू का प्लाजो, नंदू का प्लाजो देखो कितना प्यारा है मेरा। और माँ को ना नंदू का प्लाजो इतना पसंद आया, जब से उसे ही देखे जा रही है कि नंदनी कैसे चलेगी उसे पहन के। इस गिलास में ना पानी डाल के पत्ते रख देंगे। अच्छा जी, गिलास में पानी डालकर जो है पत्ते रख देंगे। क्या हो गया यार उसी छेड़ रही? आरुषि, आरुषि तू मजाक बना रही इसका? और ये पहन लिया है लहंगा नंदिनी ने, इसका आया है ये गिफ्ट में। और आज है दावत, दावत है चुल्लनोत सारे कुनबे की, कुनबे में ये एक है मंडाज, कल को बारात में जाएंगे, दावत है सबकी। तो खाना बनाना सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे रेडी होने के लिए सब बच्चे एकदम बैठे हैं, कुछ हो लिए हैं। आरुषि ने ये ड्रेस पहनी, आरुषि दिखाना ड्रेस कैसी लग रही है, ये देखियो, देख के बताना जी कैसी लग रही है आरुषि की ड्रेस। और नंदिनी की तो है, हाँ जी नंदिनी की तो है ही लाजवाब। हाँ नंदिनी मौज आ गई, ये देखो चल चल के देख रही, उधर आईने में देख के आओगी अपने आप को। और ये हैं बहुत सारी चिमटियां जो मैं दिखाना भूल गई थी, ये देखिए फिर भी इनके पास चिमटियां सोटी पड़ती रहती है, कितनी भी इन्हें दे दो लाकर या फिर गिफ्ट में आ जाए। और ये बहुत सारी है और येलो कलर के तो हम ढूंढ रहे थे क्योंकि ये ड्रेस में चलते हैं बच्चों की, ये भी आ गए हैं। चलो जी ये हो गई। आरुष, आरुष तुमने नहीं पहना अभी कुछ नया? इसकी बड़ी है पैंट, इसके साइज में फिट नहीं आ रहे। नंदिनी चल चल के देख रही और इसमें देख रही कि कितना कम्फर्ट रहेगा, इसके हाथ दोनों बिजी हो गए हैं। अरे दावत का ऐसे उड़ाओगी नंदिनी तू तो। हेलो जी, और देखो रेडी हो गई है नंदिनी, आरुष भी रेडी हो गया है दावत में जाने से पहले की तैयारी है ये। है कहाँ जाओगे आज, आप कहाँ जाओगे? माँ दावा बोल दोगे? हाँ चिंकी कितने रसगुल्ले खा लेगी तू? अभी से ही पूछ रही है, मतलब वहीं जाके पता चलेगा। हाँ ये क्या खिला रही, क्या खिला रही, तो वहीं जाके पता चलेगा, वो रसगुल्लों के साइज पे डिपेंड करता है। और आरुषि, आरुषि क्या खाएगी? चाउमीन, चाउमीन लवर है ये, है भाई। पर मैं तो गोलगप्पे खाऊंगा। गोलगप्पे खाएगा? मैं तो चिप्स। क्या खाएगी है? क्या खाएगी? चाउमीन, चाउमीन, ये चाउमीन, ये गोलगप्पे। और नंदिनी आए तो रसमलाई खा लेना बस। तो चलो जी यहाँ पे अभी जो है रेडी होने का काम चल ही रहा है, मैं भी हो लेता हूँ।